आज हम बनाएंगे गोभी के भरवा पराठे, बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस। आप इसे इस विंटर्स में जरूर ट्राई करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम लगभग 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे। अजवाइन डालने से पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग्स में भी सॉल्ट ऐड करना है। और इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल डाल के हाथों के हाथ से बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल और सॉल्ट बिल्कुल मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करेंगे। हमने नॉर्मल वाटर लिए हैं। इसे बिल्कुल अच्छे तरह से बाइंड कर लेंगे। हमें वाटर तब तक ऐड करना है जब तक ये बिल्कुल बाइंड ना हो जाए, डो जैसा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करेंगे। हम एक साथ सारा वाटर नहीं ऐड करेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे तरह से बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बाइंड हो चुका। लास्ट में हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि ये हल्का सॉफ्ट हो जाए। पराठे बनाते समय हमें डो को सॉफ्ट बनाना है, टाइट नहीं बनाना है। अब हम इसे लगातार 4 से 5 बार गूंथेंगे। ऐसा करने से डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। लगातार गूंथते रहने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसे हम फोल्ड करके ऐसे रख देंगे और गीले कपड़े से या ऐसे ही हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी स्टफिंग्स तैयार करेंगे। ये हमने गोभी को पीसेस में कट कर लिया है और हमने ये बड़े वाले होल्स वाले ग्रेटर लिए हैं। इसे हम बिल्कुल अच्छे तरह से ग्रेट कर लेंगे। सारे गोभी को ऐसे ही ग्रेट करते जाएंगे। आप चाहें तो गोभी को चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। ये देखिए, ऐसा ये ग्रेट हो रहा है। ऐसे ही ग्रेट कर करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, सारे गोभी को ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने गोभी को एक बोल में ट्रांसफर किया है। ऐसा करने से स्टफिंग्स बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब इसमें हम लगभग 1 कप बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज डालने से गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी लगती हैं। प्याज ऐड करने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से बिल्कुल रगड़ के ऐड करेंगे। अजवाइन डालने से स्टफिंग्स बहुत ही बढ़िया बनती है और पराठे बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमने डो में भी सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें हम गरम मसाला लेंगे 1/4 टीस्पून और हम इसमें धनिया पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे 1 स्पून या स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। हमें तुरंत ही गोभी के पराठे बनाने हैं इसलिए हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तब आप इसमें सॉल्ट ना ऐड करें। जब आपको बनाना हो तब आप इसमें सॉल्ट ऐड करके तुरंत ही बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे पहले भी ऐड कर सकते हो। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी स्टफिंग्स बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम तुरंत ही इसके पराठे बनाएंगे। हमारी स्टफिंग्स तैयार है। अब हम डो में से एक बड़ा सा पार्ट लेंगे। हम बड़ा पराठा बनाएंगे। अगर आप पराठे की साइज छोटी बनाना चाहते हैं तो कम डो ले सकते हैं। ऊपर से हल्के से आटे से बिल्कुल रैप कर देंगे। अब इसे ऐसे करते हुए बिल्कुल कटोरी जैसा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसा करते हुए बिल्कुल अंदर से इसको बिल्कुल कटोरी जैसा बनाना है। हमें बीच में इसको बहुत पतला नहीं करना है। अब हम इसमें बीच में स्टफिंग्स भरेंगे। हम 1 टेबल स्पून स्टफिंग्स भर रहे हैं। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से रैप कर लेंगे आटे में।
रैप करके अब इसे पोटली जैसा बनाएंगे और एक्स्ट्रा डो को निकाल के इसी में ऐसे ही रोल कर देंगे। ये देखिए, अब इसे हल्का सा चिपटा कर लेंगे और ऊपर से ऐसे आटे को रैप कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं यूज़ करना है। अब हम इसे बेलेंगे कि बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। ये देखिए, हम इसे गोलाई में करते हुए बेलेंगे और इसे बड़ा सा पराठा बनाएंगे। आप इसे किसी भी शेप्स में बना सकते हो। लगातार गोलाई में बेलते रहने से थोड़ी देर के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको इतना बड़ा और इतना मोटा रखा है। गर्म तवे पे हम पराठे को रखेंगे। हम लोहे का तवा यूज कर रहे हैं। आप नॉनस्टिक या कोई भी तवा यूज कर सकते हो। थोड़ी देर सिकने के बाद अब इसे पलट लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। जब ये हल्का कुक हो जाए, ऊपर से हम ऑयल को स्प्रेड करेंगे। हम स्पून या ब्रश की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल को स्प्रेड करेंगे। किनारों पे भी हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। थोड़ी देर सिकने के बाद अब हम इसे फिर से पलट देंगे। हम इसे स्पैचुला की हेल्प से पलटेंगे। पलटने के बाद इस साइड भी हम ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। जब ये हल्का हल्का कुक होना स्टार्ट हो जाए, तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक कुक करेंगे ताकि जो स्टफिंग्स है वो भी बिल्कुल कुक हो जाए। ऐसे स्पैचुला से दबा दबा के कुक करेंगे। थोड़ी देर के बाद पराठे बिल्कुल अच्छे तरह से सिक जाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पराठे बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। अब हम आगे दूसरे पराठे बनाएंगे। डो में स्टफिंग्स भरने के बाद अब इसे गोलाई में करते हुए बेलेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से ये बेला जा रहा है। बेलने के बाद अब इसे गर्म तवे पे रखेंगे और थोड़ी देर तक सिकने देंगे। सिकने के बाद अब इसे पलट लेंगे। पलट के अब इस पे ऑयल स्प्रेड करेंगे। आप इसमें ऑयल या देसी घी कुछ भी यूज कर सकती हो। बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड करने के बाद अब इसे फिर से पलट लेंगे। दोनों साइड ऑयल को स्प्रेड करेंगे। अब हम इस साइड भी ऑयल को स्प्रेड करेंगे और लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कुक करेंगे। हम इसे स्पैचुला के हेल्प से दबा दबा के कुक करेंगे। ऐसे ही हम सारे पराठे सेक लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि अंदर से इसकी स्टफिंग्स कितनी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए, कितनी डिलीशियस है। आप इसे चटनी, सॉसेस, सब्जी या आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।